हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, अगर आप अपनी बीट गाड़ी से अच्छी माइलेज लेना चाहते हैं तो उसको कम आरपीएम पर चलाएं। देखिए, मैं आपको लाइव शो कर रहा हूं, गाड़ी चलाते हुए वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। अगर आप इस प्रकार से कम आरपीएम पर गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी 25 प्लस माइलेज ज़रूर देगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बीट प्यार से चलानी पड़ती है। डीजल की कोई भी गाड़ी, जिस आदमी को डीजल की गाड़ी को फील करके चलाना आ गया वो उस गाड़ी से बहुत फ़ायदा ले सकता है। दोस्तों, अगर हम रफली चलाने की कोशिश करें किसी पेट्रोल के व्हीकल की तरह से तो संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है डीजल का इंजन भारी होता है, हैवी होता है। अगर उस पर भारी झटके लगेंगे तो गाड़ी टूटेगी, उसमें वियर एंड टियर आएंगे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कम आरपीएम पर गाड़ी चलाएं और बिल्कुल स्मूथ स्पीड पर गाड़ी रखें। बार बार एक्सीलेटर ना दबाएं, बार बार स्पीड कम ज़्यादा ना करें, अनावश्यक और बहुत प्यार से फील करके अगर आप गाड़ी चलाते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आरपीएम आप नोट करें कि कितने कम आरपीएम और कितनी कॉन्स्टेंट स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ दोस्तों। और 25 प्लस की और जिसने हमेशा मुझे दी है, और ये एक प्रूफ है, चीता जाग का प्रूफ आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता है इंजन कितना महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियों की मेंटेनेंस कितना बढ़ता जा रहा है, स्पेयर पार्ट्स कितने महंगे हैं। तो क्यों ना हम समझदारी से उनका इस्तेमाल करें, समझदारी से अपने व्हीकल को चलाएं, अपनी भी सुरक्षा, औरों की सुरक्षा और अपने व्हीकल की भी सुरक्षा। तो आपको तीन तरफ आपको सुरक्षा मिलेगी और साथ साथ आपको माइलेज भी मिलेगी। तो ये बीट गाड़ी जो है ये बहुत ही बेस्ट गाड़ी है दोस्तों अपने आप में। और यही रखना है, कोई भी डीजल की आप गाड़ी लें तो आपको पता है आगे की तरफ बहुत वज़न होता है गाड़ी में, इंजन का वज़न होता है। तो इसलिए जब गड्ढा वगैरह आए तो वहाँ आपको बड़ा ही कॉन्शियसली चलना है, बहुत ध्यान से चलना है, गड्ढे में गाड़ी को नहीं मारना है। और साथ ही साथ कॉन्स्टेंट स्पीड रखनी है दोस्तों, बड़ी नियमित स्पीड से अगर आप व्हीकल किसी भी व्हीकल को चलाते हैं, इवन हर व्हीकल को बड़े ही प्यार से चलाते हैं। मैं इवन आप किसी निर्जीव चीज़ को भी अगर फील करके आप तो यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा देगी दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ कोशिकाओं की बनी हुई है, हर चीज़ मैटर की बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई है, और वो फील करती है कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी वाइब्रेशन तक पहुँचती हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे और इससे आपको बहुत अच्छी माइलेज मिलेगी दोस्तों। कम आरपीएम पर गाड़ी चलाएं, कॉन्स्टेंट स्पीड से गाड़ी चलाएं, ज़्यादा गाड़ी को एकदम से तेज़ मंदा ना करें और धीरे धीरे कम स्पीड में गाड़ी चलाइए। और डीजल के व्हीकल में विशेष ख्याल रखेंगे तो आप वियर एंड टियर से बचेंगे, मेंटेनेंस से बचेंगे, स्पेयर पार्ट्स वाले को पैसा देने से बचेंगे, मैकेनिक को पैसा देने से बचेंगे और पेट्रोल पड़ेगा। तो इस प्रकार से लगातार देख रहे हैं, देखो कितना आरपीएम है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ और बहुत ही अच्छी माइलेज में से लेता हूँ। और इससे अच्छी माइलेज मैंने किसी गाड़ी की नहीं देखी है तब।